अच्छा तो मैं इंट्रोडक्शन देने से पहले बताता चलूं कि जी मोहम्मद वसीम चीटिंग कर रहे हैं इधर, ये सवाल पहले पढ़ रहे हैं इम्तिहान के इसे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तेरा सर और आप देख रहे हैं चाय विद सुल्तान्स, जिसमें हम एक ये सेगमेंट स्टार्ट करें अपने सोशल मीडिया पेज पर, जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान्स के जो टीम मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, उनके साथ हम एक इनफॉर्मल चैट किया करेंगे चाय के ऊपर और उनसे और उन्हें जानने की हम कोशिश करेंगे। आज ही हमारे साथ हमारे गेस्ट पाकिस्तान के साबिक ओपनर एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी एंड एनालिस्ट और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स के बैटिंग कोच मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक है, बड़े मजे की। अब तक तो आपको आदत होनी चाहिए टीवी पर सारे की उधर कभी कभार होते हैं। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह क्रिकेट फॉलो की जाती है as if it's a religion, there's a passion there. लेकिन अमूमन जो सबसे पहला सवाल पूछता है कोई भी क्रिकेट फॉलोअर या क्रिकेट एंथुसियास्ट, वो ये पूछता है जी हमारे लिए रास्ता क्या है, हमारे लिए रूट क्या है। हम बाहर के मुल्कों में जो देखते हैं कि वो एज ग्रुप क्रिकेट खेल खेल कर आगे आते हैं, बट इफ यू वांट टू गिव एनीवन सम गाइडेंस कि किस तरह वो आगे जा सकते हैं, व्हाट वुड यू सजेस्ट? लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें बहुत डेवलप हो गई है, तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि आजकल ये ट्रेंड आ गया है, उसकी कुछ पॉजिटिव भी हैं और ज़्यादा नेगेटिव भी हैं। क्या बच्चा है वो, उसने भी हार्डली क्रिकेट स्टार्ट किया है ना, वो जिस पैच में भी आप बात कर रहे हैं ना, वो उसका नहीं सोचते, वो लिंक्स का सोचता है कि मैं इधर से जाऊँगा ना इस क्लब में या इस टीम में या इस कोच के पास, ये मुझे वहाँ से प्रमोट करेगी, इंडिया की टीम में जाएगा या अंडर 19 की टीम में जाएगा, तो क्रिकेट जरूर तो शॉर्ट कट सैड ही आजकल ऐसा एक जेन बन चुका है बच्चों का। लेकिन अगर कोई ऐसा है, अगर पाकिस्तान में एक ही गुड़िया चलता है, अगर आप खेलना चाहते हैं जस्ट वर्क हार्ड तो कीप डूइंग इट, कि मैं किसी ना किसी से खेल जाऊंगा और ट्रस्ट मी कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केस आया हो जहां पर आपने कहा कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है लेकिन वो आगे नहीं आ सकता, जितना मर्जी आपको कोई रोके करें, लेकिन आप आपने टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका रिजॉर्ट किसी ना किसी के लिए मिलेगा। अच्छा, कुछ जो लोग आपको फॉलो नहीं करते उनके लिए बताता चलूँ कि मोहम्मद वसीम रन्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पर आपके सब कितने बच्चे अंडर ट्रेनिंग है नंबर 200 किड्स जी आर अंडर ट्रेनिंग और प्लेइंग रेगुलरली अंडर हिज गाइडेंस, जिन्हें कोचिंग मिल रही है, इन्हें रेगुलर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मैचेस मिल रहे हैं। और मोहम्मद वसीम का जो रोल मुल्तान सुल्तान्स के साथ है कि ये हमारे बैटिंग कोच नहीं है, लेकिन ये हमारे ऑल्सो ही वर्क्स एज आर लोकल स्काउट, क्योंकि मोहम्मद वसीम कमेंट्री भी करते हैं मैचेस पर, मैच रेफरी भी रह चुके हैं, एक डोमेस्टिक टीम के हेड कोच भी हैं। तो वसीम, जब आप किसी प्लेयर को स्काउट कर रहे होते हैं तो उसकी जो टैलेंट, तो चलो ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग, उनका ऑफ फील्ड बिहेवियर आपको कितना मैटर करता है जब आप उसे टीम के लिए ड्राफ्ट कर रहे होते हैं और देयर एटीट्यूड इन द ड्रेसिंग रूम? देखिए, सबसे पहले तो आपने ना रस्से के अंदर ऑन फील्ड जो है परफॉर्मेंस वो मेक श्योर करना है कि वो आप अच्छे से 100% दे सकते हैं। जहाँ पे अक्सर ये भी होता है कि वो अंदर की बजाय बाहर वाला ज़्यादा ध्यान होता है, बच्चे की बाहर परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रूटीन क्या है, एज अ कोच आई ऑलवेज बिलीव के बच्चे को अपना फ्रीडम दे, ठीक है, लिमिट्स होती हैं हर चीज़ से, लेकिन मेक श्योर कि अंदर आपसे 100% परफॉर्मेंस दें, अगर आप उसके ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाती है कि ऑफ द फील्ड में उसने अपने आप को डिसिप्लिन करना, बजाय कि आप उसको बाहर बैठ डिसिप्लिन करने की कोशिश करें, फिर वो ग्राउंड से भी अक्सर बच्चे इस चक्कर में भाग जाते हैं। जैसे अकेडमी में छोटे बच्चे हैं, मैं कि शुरू में अब इट स्टार्ट लाइक फ्रॉम 7 ईयर्स में, अगर 6, 7 साल, 8 साल के बच्चे भी आते हैं, शुरू में कोई कोचिंग नहीं, वो आते हैं जो वो चाहते हैं, कोचिंग उनको वही कराते हैं, अगर वो आते हैं जिनके क्रॉस बैक गेम मारी है वही मार लेते हैं, अगर वो बॉलिंग कराना चाहते हैं टाइम बच्चा भी मार रहा है तो उनको पहले 3-4 महीने 6 महीने उनको अटैक कर लें कि आप ग्राउंड में आएँ शौक से आएँ, जब वो शौक से आएँ उसके बाद फिर कोचिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो फील्ड चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, उतनी मुश्किल नहीं है जितना कि पाकिस्तान में आजकल तो एक बहुत टॉपिक बना है। चले अब चलते हैं थोड़ा सा मुल्तान की तरफ आते हैं, आपका पहला सीजन है PSL में एज अ बैटिंग कोच मुल्तान के साथ है, मुल्तान का पहला सीजन है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन? देखिए, प्रीटी एक्साइटेड, एक तो स्पेशली टू वर्क अगेन विद वसीम डिफरेंट, मतलब वो चाहे
लेकिन ओवरऑल पीएसएल देखिए पहला पीएसएल वो सब गुड आउट से इंक्लूडिंग मतलब जो आजकल सारे स्कूल में बाहर हैं या जो कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें पोजीशंस मिल जाए हाँ तो उसमें क्या एक सिंपल सा सवाल बात किया मैंने T20 की बात नहीं जी पाकिस्तान की में वनडे के रतन का स्ट्राइक रेट बाद में 50 के करीब था सारे के करीब था T20 के करीब वैसे T20 का 155 के 152 वो तो ठीक है आज चलें let's start off हल्के फुल्के सवाल लेते हैं आपकी पसंदीदा मूवी बता दीजिए नहीं तो बता देना नाम बता दे अच्छा सॉरी टीवी अच्छा आपका फिर सबसे पसंदीदा टीवी शो नहीं लेकिन मैं चले ठीक है ये आपने जो ऑन स्केल ऑफ 1 टू 10 हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस 10 आउट ऑफ 10 ऑफ कोर्स मैं भी आप ही अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं जी आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट डिश कॉफी और टी ऑफ कोर्स मैं जब जाता हूं मैं खाना खा रहा हूं ये कॉफी पी रहा हूं फेवरेट सॉन्ग आई विद देखो डॉक्टर मैं खेलता नहीं हूं ना मैंने खेलना नहीं है अजाब है फेवरेट सॉन्ग जज्बा जुनून तो जब ड्रेसिंग रूम में कभी लगता था जब वो गाना था जिसको सुन के ना मैंने असल में क्रिकेट स्टार्ट किया टाइम टू वर्क जज्बा जुनून 96 में आया था क्या कर रहे हैं आप 92 में the sun is coming down the flag यार ये इन्होंने जिस चीज पे क्रिकेट शुरू की थी 92 का सॉन्ग कौन सा था 92 का ये तो वही था the sun is coming down the sun is coming down the flag वो दिल दिल पाकिस्तान मूवी कहते हैं है ना ओ sorry 96 तो किसी को भी नहीं भूलता अच्छा इसको मतलब इसका मतलब ये कि भाई बैंगलोर में आ रहे थे सबसे ज्यादा शोर मचा था अच्छा जी आगे चलें जी टैटूज का शौक है लेकिन हिम्मत नहीं हुई बड़ी तो कभी नहीं कराया अगर कराते तो क्या टैटू कराते डोले हमें बनवाए मुझे हिम्मत नहीं पड़ी क्या कह सकता हूँ मैं ये नहीं कहा परमिशन नहीं मिलती मैंने कहा नहीं हिम्मत नहीं पड़ी ऑफ कोर्स मुझे पता है आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से घबराते हैं अच्छा जी आगे चलो जी अच्छा मोहम्मद वसीम का काफी लोगों को जिन्हें नहीं पता ये भी बता चलूं कि मोहम्मद वसीम इनफैक्ट एक डबल इंटरनेशनल है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेले हैं बल्कि हॉलैंड के लिए भी खेल चुके हैं नेदरलैंड्स के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ट्रैवल्ड क्रिकेटर्स दैट यू विल मीट आपकी सबसे पसंदीदा कंट्री कौन सी थी न्यूजीलैंड आपने तो वहां पे खेला बड़ा ठीक है अच्छा दूर अच्छा काफी स्ट्रेसफुल जॉब होती है एज अ कोच एज अ टेलीविजन एनालिस्ट मतलब डूइंग सो मेनी थिंग्स कट इट सो व्हाट डू यू डू टू डी-स्ट्रेस इंटरनेट भी देखता बैन करेगा अच्छा जी आगे चलते हैं जी
any other sport that you could play other than cricket, what would it be? Hockey. कौन सी position खेलता है? नहीं, अगर आपने 92 में जज्बा जुनून सुन के क्रिकेट शुरू की थी तो उस वक्त तो हॉकी का भी गाना होगा, उस वक्त कोई उस वक्त निकाला होगा मोमना मुस्तहसन ने। अच्छा चलिए जी आगे चलते अच्छा चले वो अब हम दूसरी फ्रेंचाइज के बारे में आगे चले जी। योर सीरियस नोट, योर रोल मॉडल इन लाइफ, प्रोफेशनल में रहता पूछूंगा, रोल मॉडल इन लाइफ मक्खन लगा। अच्छा जी we'll come to last two questions. Out of everyone who's playing cricket actively, out of everyone who's playing cricket right now actively, who is your favorite cricketer? क्या आप इसे देख के कहेंगे नहीं यार ये लेवल है? ओह ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रो यू लाइक इन दैट मैच? चले फिर पाकिस्तानी भी बता दे। पाकिस्तानी जो रो से कोहली या कौन है? पाकोहली पाकोहली अच्छा पाकिस्तानी आदि मलिक बहुत जबरदस्त है। आपका चैलेंज ये कि हमने देखना है कि आप कितनी जल्दी इस बॉल पे टेप चढ़ाते हैं। जो भी हम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलने लगे ना टेप करके वो देख लेके बॉल ऐसी घूमेगी और ऐसी फिरेगी कि आपको समझ आ जाएगी। ये जी बट थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एज ऑलवेज।